खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज। मनीष देव जो यूपी आगरा के रहने वाले हैं, जो आलू का कारोबार करते हैं, हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर मार्केट में गुजश्ता 6 साल से अभिषेक नामी एक बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। गुड्डी मलकापुर मार्केट में 24 मई को पैसे देने के कर से बुलवा कर मनीष देव को मारा पीटा गया। मनीष देव से एक गाड़ी आलू मंगवा लिए, जिसकी मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है, वो पैसे भी नहीं दिए। उल्टा उनको 3-4 अफराद ने मिलकर मार कर भिजा दिया। इस वाक़े की मनीष देव ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में जाकर एक केस दर्ज करवाया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मारने वालों में अभिषेक आलू का मोंडेदार और इसके साथी समीर खालिद शामिल है। गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट कमेटी वालों को ऐसे अफराद पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनके लाइसेंस को जब्त करना चाहिए। ये कहना है तमाम कारोबारी आसामियों का, क्योंकि ये लोग माल ले रहे हैं पर पैसे नहीं दे रहे। इसके अलावा पैसे देने के बजाय इनको ही हरासा कर रहे हैं। मार्केट कमेटी इस मामले में खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? क्यों ऐसे गुंडे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों इनके लाइसेंस को जब्त नहीं कर रही? फौरन कमेटी को चाहिए कि पुलिस के साथ तावुन करते हुए ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और इनके लाइसेंस को जब्त करवाएं, ताकि तमाम कारोबारियों और आसामियों को राहत मिले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।